पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। द पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग इज अ स्टोरी अबाउट एन अनयूजुअल गर्ल पीपी। ये एक बहुत ही अनयूजुअल गर्ल पीपी के बारे में एक स्टोरी है। पीपी इज ब्रेव, फनी एंड वेरी इनक्रेडिबल। वो बहुत ही फनी भी है, ब्रेव है और इनक्रेडिबल है। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय अ स्वीडिश राइटर एस्ट्रिड लिंग्रेन, एंड शी इज बेस्ट नोन फॉर हर चिल्ड्रंस बुक सीरीज। और वो बहुत ही अपनी चिल्ड्रन बुक सीरीज को लिखने के लिए बहुत ही पॉपुलर रही है। So let's start the story. When PP entered Villa Velikula, जैसे ही PP Villa Velikula में first time enter हुई, it was a lovely summer evening. ये summer evening थी, बहुत ही प्यारी सी। The children next door, Tommy and Anika were not at home. उसके पास में रहने वाले बच्चे Tommy Anika उस वक्त घर पर नहीं थे। They had gone to visit their grandmother for a week. वो अपनी grandmother से मिलने के लिए एक week से गए हुए थे। So they had no idea that anybody had moved into the house next door. तो उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोई उनके घर के पास में ही कोई रहने के लिए आया है। On the first day after they came home again, they stood by the gate. घर आने के बाद पहले दिन वो गेट पे खड़े हो गए and looking out onto the street. और स्ट्रीट की तरफ देखने लगे, स्ट्रीट मीन्स गली की तरफ देखने लगे। They had no idea that there actually was a playmate so near. उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनके घर के पास ही, उनके पास में ही कोई प्लेमेट मतलब साथ में खेलने के लिए आ चुका है। They were standing there considering that what they should do. अब वहाँ पे वो खड़े ये सोच रहे थे कि अब वो क्या करें। Wondering whether anything exciting was likely to happen. अब वो सोच रहे थे कि क्या आज कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, और whether it was going to be one of those dull days. या फिर वो उन बोरिंग डल डेज से मतलब वैसे बोरिंग डेज में से ही ये एक दिन होगा व्हेन दे कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग टू प्ले। जब उनके पास खेलने के लिए कुछ नहीं होता है, मतलब वो कुछ भी सोच नहीं पाते हैं खेलने के लिए। एंड जस्ट देन द गेट ऑफ विला वेलिकुला ओपन। तभी विला वेलिकुला का गेट ओपन हुआ एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट। उसमें से एक छोटी सी लड़की बाहर आई। शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल टॉमी एंड अनिका हैड एवर सीन। वो एक मोस्ट रिमार्केबल मीन्स रिमार्केबल का मतलब होता है नोटिसेबल, जिसे नोटिस किया जाता है। थोड़ा सा अनयूजुअल कोई होता है तो उसे हम नोटिस करते हैं। तो टॉमी और अनिका ने आज तक जितने लोगों को देखा उसमें से ये मोस्ट रिमार्केबल गर्ल थी। शी वॉज मिस पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। वो कौन थी? पीपी, मिस पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, वो अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर आई थी। दिस इज द वे शी लुक। अब यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि वो कैसी दिखती थी। आप भी देख सकते हो यहाँ पे, हम अब इसकी जो अपीयरेंस है उसको डिस्क्राइब करेंगे। हर हेयर द कलर ऑफ अ कैरेट। उसके हेयर जो थे कैरेट कलर के थे, मीन्स ऑरेंज कलर के थे। वॉज ब्रेडेड इन टू टाइट ब्रेड्स, और दो टाइट चोटियाँ जो थी उसकी की हुई थी। ब्रेड्स का मतलब दो चोटियाँ की हुई थी। एंड दे दैट स्टक स्ट्रेट आउट, और वो दोनों ही बाहर की तरफ निकली हुई थी, जैसे ये स्टक स्ट्रेट आउट जैसे दिए हैं। हर नोज वॉज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटेटो। उसका नाक जो था छोटे से पोटेटो जैसे था। एंड वॉज डॉटेड ऑल ओवर विथ फ्रिकल्स, और नाक पे छोटे छोटे स्पॉट्स जो थे, या डार्क स्मॉल पैचेस जिसे कहते धब्बे हो रखे थे, तो वो फ्रेकल्स जो है उसकी नाक पर थे। इट मस्ट बी एडमिटेड दैट द माउथ अंडर दिस नोज वॉज अ वेरी वाइड वन विथ स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ। और ये भी पक्का कहा जा सकता है कि उसके नोज के नीचे जो मुंह है वो काफ़ी चौड़ा है, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग टीथ, स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ जो है उसके मुंह के अंदर है। हर ड्रेस वॉज रादर अनयूजुअल। उसकी जो ड्रेस भी थी काफ़ी अनयूजुअल थी, स्ट्रेंज थी। पीपी हैड मेड इट हर्सल। पीपी ने इस ड्रेस को खुद बनाया था। शी हैड मीन्ड इट टू बी अ ब्लू। अब वो इसको ब्लू कलर का बनाना चाहती थी, बट देयर वाजंट क्वाइट इनफ ब्लू क्लोथ। तो उसके पास इनफ ब्लू क्लोथ नहीं था। सो पीपी हैड स्वीट लिटिल रेड पीसेज ऑन इट। तो उसने छोटे छोटे रेड पीसेज जो थे, आप देख सकते हो पैचेस जो रेड कलर के इसकी फ्रॉक पे दिख रहे हैं, उसको उसने सिल दिया। एंड ऑन इट हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ उसने पैचेस बना दिए। ऑन हर लॉन्ग थिंग लेग्स शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग। और उसके जो लंबे पतले से लेग थे उस पर उसने लॉन्ग स्टॉकिंग, मतलब स्टॉकिंग कहा जाता है लॉन्ग सॉक्स को, तो उसने दो अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग पहन रखी थी, मतलब दो सॉक्स पहने हुए थे लॉन्ग। वन ब्राउन एंड द अदर ब्लैक। आप देख सकते हैं एक तो ब्राउन कलर का है और दूसरा जो है वो ब्लैक कलर का स्टॉकिंग है। शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज दैट वर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर फीट। और उसने जो है शूज भी पहन के रखे थे जो कि उसके फीट से डबल, ट्वाइस का मतलब डबल लंबे थे। हर फादर हैड बॉट दीज शूज फॉर हर इन साउथ अमेरिका सो दैट पीपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू। तो उसके फादर जो थे वो शूज लेके आए थे फ्रॉम साउथ अमेरिका से, ताकि जब पीपी बड़ी होगी तो उसके काम आएगी। शी लव्ड देम एंड शी नेवर वांटेड टू वियर एनी अदर। और उसे बहुत ही वो शूज़ उसे बहुत पसंद थे, वो इसीलिए कुछ और पहनना नहीं चाहती थी।
But the thing that made Tommy and Anika Anika open their eyes widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder. और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज टॉमी और अनिका को लगा, जिसकी वजह से उनकी आईज जो थी ओपन देयर आईज वाइडेस्ट, मतलब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज रहे जिस चीज़ से, वो था कि एक मंकी जो था वो स्ट्रेंज गर्ल के शोल्डर पे, इस पीपी के शोल्डर पे बैठा था. इट वॉज अ लिटिल मंकी, एक छोटा सा मंकी था, ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट अ येलो जैकेट एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट. तो उसके जो थी ब्लू पैंट, येलो जैकेट और वाइट स्ट्रॉ हैट लगाई हुई थी. पीपी वॉक अलॉन्ग द स्ट्रीट विद वन फुट ऑन द साइड वॉक एंड द अदर इन द गटर. तो उसका आप देख सकते हैं, एक तो वो फुटपाथ पे पैर रख के चल रही है, दूसरा रोड पे रख के चल रही है, ऐसे वो चल रही थी. टॉमी एंड अनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर, और टॉमी एंड अनिका उसको जितनी दूर तक देख सकते थे उतनी दूर तक देखे जा रहे थे. इन अ लिटिल वाइल शी केम बैक एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड. अब थोड़ी देर चलने के बाद पीपी वापस आई, लेकिन अब वो कैसे चलने लगी, अब वो उल्टी बैकवर्ड उल्टी चलना शुरू हो गई. That was because she didn't want to turn around to get home. अब वो ये ऐसा इसलिए वो उल्टा चलना शुरू हो गई ताकि उसे घर की तरफ चलने के लिए टर्न नहीं करना पड़े, इसलिए वो बैकवर्ड चलनी शुरू हो गई. When she reached Tommy's and Anika's gate, she stopped. जैसे ही वो टॉमी और अनिका के गेट तक पहुंची और वो रुक गई. The children looked at each other in silence. और टॉमी अनिका दोनों एक दूसरे को देखने लग गए साइलेंस, मतलब एकदम सरप्राइज्ड थे. At last टॉमी स्पोक. लास्ट में टॉमी ने कहा, व्हाई डिड यू वॉक बैकवर्ड. टॉमी ने उसे कहा, तुम ऐसा बैकवर्ड क्यों चल रही हो, उल्टा क्यों चल रही हो. व्हाई डिड आई वॉक बैकवर्ड, सेड पीपी. तो पीपी ने कहा कि मैं बैकवर्ड क्यों चल रही हूँ, इजंट दिस अ फ्री कंट्री, क्या ये आजाद देश नहीं है, कांट अ पर्सन वॉक एनी वे शी वॉन्ट टू, क्या कोई इंसान जैसा चाहता है वैसा नहीं चल सकता है. लेट मी टेल यू दैट इन इजिप्ट एवरीबडी वॉक्स दैट वे. अब मुझे मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि इजिप्ट में हर इंसान ऐसे ही चलता है. एंड नोबडी थिंक्स इट इज द लीस्ट बिट स्ट्रेंज. और कोई भी इसको किसी को भी ये अजीब नहीं लगता है कि बिल्कुल भी स्ट्रेंज है ऐसा उल्टा चलना. सो हाउ डू यू नो, आस्क टॉमी. यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, हैव यू. अब टॉमी ने उसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता है, और क्या तुम कभी भी इजिप्ट गई हो, तुम तो कभी इजिप्ट नहीं गई होंगी, क्या गए हो. आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, इंडीड आई हैव. अब पीपी ने रिप्लाई दिया कि क्या मैं इजिप्ट नहीं गई हूँ, बिल्कुल मैं गई हुई हूँ. दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ. ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें श्योर होना चाहिए कि मैं इजिप्ट रह चुकी हूँ. आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सीन मैनी थिंग्स स्ट्रेंजर दैन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड. और मैं इस वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पर जा चुकी हूँ और बहुत सारी कंट्रीज घूम चुकी हूँ जहाँ पे लोग बहुत सी स्ट्रेंजर चीज़ें करते हैं दैन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड. बैकवर्ड चलने से भी ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ें करते हैं. आई वंडर वॉट यू वुड हैव सेड If I had come along walking on my hand the way they do in the farthest India. अब अगर तुम्हें तो आश्चर्य होगा कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो है farthest India में जो है लोग अपने हाथों पे चल के जाते हैं. Now you must be lying, said Tommy. अब टॉमी ने कहा कि अब तो तुम पक्की बात झूठ कह रही हो, अब तो तुम पक्का झूठ बोल रही हो. टॉमी ने उसे ऐसे बोला. पीपी थॉट अ मोमेंट. अब पीपी ने एक मोमेंट के लिए सोचा. यू आर राइट, शी सेड सैडली, आई एम लाइंग. और वो दुखी होकर कहती है कि हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ. इट्स विक टू लाई, सेड अनिका. अब अनिका कहती है कि झूठ बोलना गलत बात है या बुरी बात है. हु हैड एट लास्ट गैदर्ड अप इनफ करेज टू स्पीक. अब लास्ट में जो है अनिका ने ये लाइन कही, क्योंकि इतनी देर तक तो वो उसे डरी हुई थी या सरप्राइज थी, अब जाके उसने थोड़ा करेज जो है इकट्ठा किया और उसने बोलने की हिम्मत जुटाई. यस, इट्स वेरी विक टू लाई, सेड पीपी इवन मोर सैडली. अब पीपी ने और ज्यादा दुखी होकर कहा कि हाँ ये बात है कि झूठ बोलना गलत बात है. वो और सैड होके बोली. But I forget it now and then. लेकिन मैं अभी और तब भूल जाती हूँ. And how can you expect a little child like me to always tell the truth? When my mother is an angel and my father is king of a cannibal island. अब तुम जो है एंड आई जस्ट जो है मैं हमेशा, तुम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे जैसे एक लिटिल चाइल्ड, एक छोटी सी बच्ची जो है वो हमेशा सच बोले, जबकि जिसकी मदर क्या है, एक एंजल है. एंजल मीन्स गॉड की जो है, जो गॉड का अटेंडेंट होता है या जो दूत होता है भगवान के पास जो रहता है. तो वो मेरी मदर एंजल है और फादर जो है कैनिबल आइलैंड के किंग है. एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशन ऑल माई लाइफ. और मैं ओशन के ऊपर ही जो है मैंने पूरी लाइफ उसी जर्नी में निकाली है. देन पीपी स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड. उसके बाद पीपी हंसती है और अपनी बात को कंटिन्यू करती है, स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड, है ना. एंड लेट मी टेल यू दैट इन द कॉन्गो देर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ. अब वो कहती है कि
कॉन्गो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी इंसान जो है कभी भी सच नहीं बोलता है. दे लाई ऑल डे लॉन्ग और वो पूरे दिन झूठ ही बोलते रहते हैं. बिगिन एट 7 in the morning एंड कीप ऑन अंटिल सन डाउन. वो सुबह उठते ही 7 बजे से मॉर्निंग में झूठ बोलना शुरू करते हैं और ये सन डाउन जब तक सन सेट होता है तब तक वो बोलते रहते हैं. सो इफ आई शुड हैपन टू लाई नाउ एंड देन You must try to excuse me and to remember that it is only because I stayed in the Congo a little too long. अब वो कहती है कि अगर मैं अभी और कभी भी झूठ बोलूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना. एक्सक्यूज मी मतलब माफ़ करना एंड टू रिमेंबर दैट मैं जो है क्योंकि मैं कॉन्गो में थोड़ा ज़्यादा समय में रह के आई हूँ तो इसलिए मुझ पर क्या है इस चीज़ का असर है. Now we can be friends anyway, can't we? अब वो पीपी उनको कहती है कि हम लोग फ्रेंड्स तो हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते. देखो आप सीन में भी देख सकते हो अपने हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ा रही है ना. सो ओ श्योर सेड टॉमी. अब टॉमी कहता है कि या श्योर क्यों नहीं एंड रियलाइज सडनली दैट दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज. और वो फील भी करता है कि ये वैसा रोज की तरह एक डल या बोरिंग डे नहीं था. बाय द वे वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी आस्क्ड पीपी. अब वो पीपी जो है ऑफर करती है अनिका और टॉमी को कि क्या तुम मेरे साथ आके ब्रेकफास्ट करोगे. वाई नॉट सेड टॉमी. और टॉमी भी हाँ कर देता है कम ऑन लेट्स गो. और वो कहते हैं चलो आओ और हम चले. ओ यस लेट्स सेड अनिका. और अनिका भी कहती है चलो यस बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर निल्सन सेड पीपी. पीपी कहती है कि चलो पहले मैं तुम्हें मिस्टर निल्सन से इंट्रोड्यूस कराती हूँ. एंड द लिटिल मंकी टुक ऑफ हिज कैप एंड बोर्ड पोलाइट. तो इसमें जो मिस्टर निल्सन है वो पीपी का पैट मंकी है. तो मिस्टर निल्सन मींस मंकी ने अपनी हेड को उतारा और उनकी तरफ सिर झुकाया उनको ग्रीट किया. तो ये थी हमारी स्टोरी पीपी लॉ.